हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम गर्ल। टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा आज का वीडियो किस पर बेस्ड है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ डार्क सर्कल के बारे में कि आप इसे कैसे खत्म कर सकते हो और कैसे इसे हाइड कर सकते हो। सबसे पहले तो ये सवाल है कि डार्क सर्कल होते क्या है और कहाँ होते हैं। डार्क सर्कल होते हैं कि आप देख सकते हो कि डार्क सर्कल मेरे आंखों के नीचे है, थोड़ा काला हो चुका है और खड्डा भी लग रहा है। देख सकते हो आप कितना अनइवन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं बर्फों से सोई नहीं हूँ। इसे ही कहते हैं डार्क सर्कल। इसे आप ख़त्म कर सकते हो ज़्यादा पानी पीने से, ज़्यादा सोने से। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे सो जाओ, 6 to 8 hours आपको सोना ज़रूरी है। कम TV देखो, कम फ़ोन देखो। फ़ोन देख रहे हो तो उसका यूज़ करो कुछ सीखने के लिए, टाइम वेस्ट मत करो, ये आपकी मर्जी। अगर आप स्कूल जाते हो और आपको डार्क सर्कल है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहिए और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेम्परेरी डार्क सर्कल को आप कैसे हाइड कर सकते हो मैं आपको इतना बता रही हूँ। आपको कोई महंगे प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2 या 3 है तो ठीक है। मैं आपको बताती हूँ सस्ते में और कम से कम टाइम में आप कैसे हाइड कर सकते हो। मेरा सजेशन अभी भी यही है कि आप इसे नेचुरली ख़त्म कीजिए। जो मेरे प्रोडक्ट है मैंने आज लिया है, मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले आपको लगाना है मॉइस्चराइज़र। सबसे पहले आपको मॉइस्चराइज करना है अपने फेस को, अपने आई को अच्छे से स्प्रेड कर दें। निविया का था, मैं डेली से यूज़ करती हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है, सस्ता भी पड़ता है। ये आपको 30 to 50 रुपीज़ में भी आ जाता है, 10 रुपीज़ में भी आ जाता है। आप ऑरेंज कलर करेक्टर लगा सकते हो। अगर ऑरेंज कलर करेक्टर आपके पास नहीं है, महंगा आप महंगे चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, तो आपको मैं सस्ते में बता रही हूँ। आप लिपस्टिक लगा सकते हो जो ऑरिजिन कलर है, आपको 10 रुपीज़ से लेकर स्टार्ट हो जाते हैं। लिपस्टिक स्टार्ट करते हैं, लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं एज अ कलर करेक्टर, ऑरेंज इन कलर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी थोड़ा डार्कन हो गया है, तो भी आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। मैं ये ऑप्शनल है, आपको लगाना है तो लगाइए, नहीं तो नहीं। आई नो मैंने आपको कहा कि अंडर आई डार्क सर्कल यहाँ नहीं होते, मगर थोड़ा अनइवन लग रहा था इसलिए मैं थोड़ा लगा रही हूँ। अब मैं इसे ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड हो रहा ना, मैं लगा रही हूँ कंसीलर इस पर। अगर आपको ये गॉगल अच्छे लग रहे हैं तो ये है 50 rupees के, इसे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको फ्री में मिल जाएगा। ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड करना। अच्छे से ब्लेंड करना है। अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसे फट से हमें पाउडर लगाना है। लूज पाउडर आप लगा सकते हो, क्योंकि ये क्रीज लाइन बन जाएंगे, फिर उसे सेट करना बहुत मुश्किल है। पाउडर लगाते वो क्रीज लाइन दिखाई देंगे, इसलिए आपको फट से आपको बनाना पाउडर भी ले सकते हो या कोई भी लूज पाउडर ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आपको जो पसंद है। जैसे कि मैंने आपको कहा सस्ते में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप हाइड कर सकते हो। हाँ, पॉन्ड्स पाउडर है, एज अ लूज पाउडर आप इसे यूज़ कर सकते हो, ये 10 rupees का है। मुझसे तो हमेशा ही होता है, मैं इसे हैंड में लूँगी, फिर मैं इसके साथ ही लगाऊंगी।
अगर आप बनाना पाउडर लोगे तो वो येल्लो आपको स्किन टोन देगा, येल्लो टोन देगा। मैंने यहाँ पे वाइट लिया है, पॉन्ड्स में भी आपको येल्लो में मिल जाता है, शायद चंदन वगैरह। ब्रश के हेल्प से हम इसे सेट करेंगे, जो भी एक्सेस होगा निकल जाएगा और जितना लगना था सेट हो जाएगा। आप देख सकते हो आप कितना फर्क आ गया है। ये रहा मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हो पहले वाले में और इसमें कितना फर्क लग रहा है। अभी भी हल्का लगता होगा मगर वो परमानेंट नहीं है, मैंने आपको हमेशा से कहा है टेम्प्रेरी है। हल्का फुल्का आपको दिखाई देगा कि डार्क सर्कल है, छुपाया जा रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते। यही टेक्निक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये बेल आइकन है इसे दबाना। इसे इसलिए दबाते हैं जब भी मेरा वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा तो ही आप इसे सब्सक्राइब करना और मुझे बहुत सारा प्यार देना। बाय बाय।